हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में दोस्तों मैं हूँ रूपेश यादव हम लोग देख रहे थे फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका रेकरिंग यानी कि बार सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा पहले हम लोग इसके बेसिक थ्योरी को देखेंगे और फिर इसके ऊपर आधारित उन क्वेश्चन को देखेंगे जो पीछे के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में पूछा गया है तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग रेकरिंग की गौर से समझिएगा दशमलव के बाद पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि रेकरिंग हम लोग बोलेंगे किसको पहचानेंगे कैसे कि यह क्वेश्चन आपका रेकरिंग का है रेकरिंग का हिंदी होता है आवर्ती दशमलव रेकरिंग डेसिमल हिंदी क्या होगा इसका आवर्ती दशमलव इसका मतलब क्या होता है दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या बार 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 लगातार आए यानी अनंत तक आए तो वही क्वेश्चन जो है वो आपका रेकरिंग वाला क्वेश्चन कहलाता है आवर्ती दशमलव में कहलाता है जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या है चार सात चार सात चार सात कितनी बार आया है अनंत बार आया है तो यहाँ पे चार सात का क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है रेकरिंग हो रहा है मतलब चार सात जो है वह आपका आवर्ती दशमलव में है अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देख लीजिए तीन चार आठ तीन चार आठ तीन चार आठ कितनी बार आया है अनंत बार आया है मतलब यह क्वेश्चन भी किस में है यह क्वेश्चन भी आपका रेकरिंग में है आवर्ती दशमलव में है अब रेकरिंग के सवाल पूछे किस तरीके से जाते हैं तो आपसे इसका वैल्यू पूछा जाएगा कि इसका मान जो है वह बताइए कि भिन्न के रूप में कितना होगा तो ध्यान से समझिएगा दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या बार 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 लगातार आए तो यह क्या कहलाता है रिकरिंग कहलाता है इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है दशमलव जीरो के स्थान पर तो जीरो लिखिए दशमलव के स्थान पर दशमलव लिखिए और दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आया है उसको सिर्फ एक बार लिखिए तो देखिए इसमें बार बार क्या आया है फोर्टी सेवन आया है तो इसको सिर्फ एक बार लिखना है और इसके ऊपर बार का सिंबल आप लगा दीजिए बस यह जो सिंबल है बार का वही इस बात को दर्शाएगा कि दशमलव के बाद जो है वह चार सात चार सात चार सात अनंत बार आया है इसी वजह से इसके ऊपर बार लगा हुआ है ठीक है जैसे मान लीजिए कि कहीं इस तरह से है जीरो पॉइंट फोर और इसके ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब आप क्या समझिएगा इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि दशमलव के बाद चार कितनी बार आया होगा अनंत बार आया होगा यानी जीरो दशमलव चार, चार 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 अनंत बार आया होगा इसी वजह से इसके ऊपर बार लगा हुआ है अब जिसके पास भी बार का कॉन्सेप्ट होगा वह यह चीज़ देख करके समझ जाएगा कि यह नंबर बार बार आया है इस वजह से इसके ऊपर यह सिंबल लगा हुआ है अब इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे तो दशमलव से पहले गौर से समझिएगा दशमलव से पहले अगर जीरो हो तो दशमलव जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है और अगर एक नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो बट्टा में लिखेंगे एक नौ दो नंबर के ऊपर से हटाना होगा तो बट्टा में दो नौ तीन नंबर के ऊपर से हटाना होगा तो बट्टा में तीन नौ तो यहाँ पे देख लीजिए दो नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो हम क्या करेंगे बट्टा में दो नौ लिखेंगे तो सैंतालीस बट्टा दोनों के ऊपर से हटाना है ना तो सैंतालीस बट्टा कितना लिखेंगे निन्यानवे लिखेंगे यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका इस रूप में भी दिया जा सकता है या फिर इस रूप में भी दिया जा सकता है दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपका आ सकता है ठीक है चलिए अगर हम आपसे करें कि कहे कि जीरो पॉइंट फोर इसको जो है भिन्न में बदलिए तो आप क्या कर सकते हैं दशमलव के पहले जीरो है तो दशमलव जीरो से कोई मतलब नहीं एक नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो बट्टा में क्या करेंगे एक नौ लिखेंगे अब चार बट्टा नौ को अगर आप सोल्व करिएगा तो वापस से इतना मान आ जाएगा एक बार सोल्व करके देख लेते हैं चार बट्टा नौ का मतलब क्या है चार में हमें भाग करना है कितना से नौ से भाग करना है तो चार में नौ से भाग लगेगा नहीं तो हम क्या करेंगे हम पहले दशमलव देंगे तो जैसे ही आप दशमलव देते हैं तो अब क्या होगा हर स्टेप में हम लोग एक जीरो ले सकते हैं दशमलव दिए तो चालीस हो गया अब नौ से भाग करिए नौ चौके हो जाएगा छत्तीस सेस हमारे पास कितना बच रहा है चार इसके ऊपर फिर से एक जीरो नौ चौके फिर से हो जाएगा छत्तीस फिर यहां पे क्या बच रहा है हमारे पास चार फिर यहां पे जीरो कहने का मतलब कि यहां जो चार है वह कितनी बार आएगा यह आपका अनंत बार आएगा तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फोर और फोर के ऊपर बार का सिंबॉल यहां पर लिखा जा सकता है ठीक है चलिए तो जब भी क्वेश्चन आपका रेकडिंग का मिले तो इसी तरीके से हमें क्या करना है सोल्व करना है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या है जीरो पॉइंट थ्री थ्री फोर एट थ्री फोर एट थ्री फोर एट कितनी बार आया है अनंत बार आया है मतलब यहां पे पुनरावृत्ति हो रहा है तो जिसका पुनरावृत्ति हो रहा होगा उसको हम कितनी बार लिखेंगे सिर्फ एक बार लिखना है तो तीन चार आठ एक बार लिखिए और इसके ऊपर यह सिंबल लगा दीजिए यह बार का सिंबल है जो इस बात को दर्शा रहा है कि तीन चार आठ जो है वह क्या हो रहा है पुनरावृत्ति कर रहा है रिपीट कर रहा है तो जो रिपीट कर रहा होगा उसको सिर्फ कितनी बार लिखना है एक बार अब यहां से जो तो है बार को हटाइएगा कैसे भिन्न में इसको

यहाँ पे जीरो तो एक बार आया है चार भी एक बार आया है और बार बार क्या आ रहा है सात तो हम सात को भी एक बार लिखेंगे और इस बार बार का जो सिंबल होगा वह केवल सात के ऊपर लगेगा इस क्वेश्चन में क्या था चार सात रिपीट कर रहा था तो चार सात के ऊपर बार लगाए इसमें तीन चार आठ तीन चार आठ रिपीट किया है तो तीन चार आठ के ऊपर बार का सिंबल लगाए हैं जबकि यहाँ पर चार रिपीट नहीं किया है चार सिर्फ एक बार आया है रिपीट क्या कर रहा है सात तो जो रिपीट कर रहा होगा उसके ऊपर ही बार का सिम्बॉल लगाना है अब अब तक क्या कर रहे थे अब तक दो नंबर के ऊपर बार बट्टा में दो नौ तीन नंबर के ऊपर बार बट्टा में तीन नौ लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है वह कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर बार नहीं है इसको कैसे सोल्व करेंगे अगर, अगर रेकरिंग का सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाए कि कुछ नंबर के ऊपर दशमलव के बाद देखना है दशमलव के बाद अगर कुछ नंबर के ऊपर बार हो और कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं हो उस केस में हमें क्या करना है पॉइंट जीरो से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है इस पूरे को संख्या मानेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा हमारा फोर्टी सेवन इस पूरे को जो है यहाँ पे लिखिए और और इसमें से उस नंबर को हटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है तो देखिए सैंतालीस में से किसके ऊपर बार नहीं है चार के ऊपर नहीं है तो चार इसमें से घटा लीजिए रिपीट करें कॉन्सेप्ट फिर से समझिएगा दशमलव के बाद जो पूरा नंबर है उसको लिखिए इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है ऐसा कब करना है जब कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर ना हो आगे देखिए बट्टा में क्या करना है जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना नौ और जितना के ऊपर नहीं होगा उतना जीरो भी लिखना है तो एक नंबर के ऊपर बार है तो एक नौ लिखेंगे और एक नंबर के ऊपर नहीं है तो एक जीरो लिखेंगे सैंतालीस में से चार माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा तैंतालीस और बट्टा में कितना नब्बे तो तैंतालीस बट्टा नब्बे यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे भाई ध्यान से समझिएगा हमने आपसे क्या कहा की रेकरिंग वाले सवाल में आवर्ती दशमलव वाले सवाल में अगर कुछ नंबर के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर ना हो उस केस में हमें क्या करना है दशमलव के बाद जो भी नंबर है हमें क्या करना है पूरा, पूरा को एक संख्या मानना है और उसमें से उसको घटा लेना है जिसके ऊपर बार नहीं होगा साथ ही साथ जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना नौ और जितना के ऊपर नहीं होगा उतना क्या लिखना है उतना हमें जीरो लिखना है मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि जीरो ठीक है और यहां पे बार लगा हुआ है अब इस क्वेश्चन को सोल्व करिए कैसे सोल्व करिएगा सर पूरे को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा हमारा तीन सौ सैंतालीस इसमें से किसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है तीन के ऊपर नहीं है तो तीन माइनस कर लेंगे बट्टा दो नंबर के ऊपर बार है तो बट्टा में दो नौ होगा एक के ऊपर नहीं है तो एक जीरो हो जाएगा तीन सौ सैंतालीस में से तीन माइनस करिए तीन सौ चौवालीस तीन सौ चौवालीस बट्टा नौ सौ नब्बे यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है तो कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो उस केस में हमें क्या करना है पूरा को संख्या मानना है उसमें से उसको घटा लेना है जिसके ऊपर बार नहीं होगा बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना नौ और जितने नंबर के ऊपर नहीं होगा उतना जीरो भी आपको लिखना है कई दफा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है, जीरो, जीरो थ्री सेवन ठीक है ऐसे है क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछ दिया गया अब आप इसका आंसर निकालिए क्या होगा गौर से समझिएगा दशमलव के बाद हमेशा जो रेकडिंग होता है वह कब होता है दशमलव के बाद होता है तो दशमलव के बाद यहां पे क्या है कुछ नंबर के ऊपर ऊपरिंग है और कुछ नंबर के ऊपर ऊपरिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा दशमलव के बाद जो नंबर है है पूरे को मेंशन कीजिए तो जीरो, थ्री, यही तो यही दशमलव के बाद इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है तो जीरो के ऊपर नहीं है तो जीरो को हटा लिए बट्टा में दो नंबर के ऊपर बार है तो दो नौ होगा और एक नंबर के ऊपर नहीं है तो एक जीरो भी हम लोग लिखेंगे आप ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद वाला जो जीरो है उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा लेना पड़ेगा पूरे को संख्या माने इसके ऊपर नहीं है तो इसको माइनस किए में दो नंबर के ऊपर है तो दो नौ और एक जीरो किसके वजह से आया है इसके वजह से क्योंकि इसके ऊपर बार आपका लगा हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा सैंतीस बट्टा नौ सौ नब्बे यही आपके सवाल का जो है वह जवाब हो जाएगा ठीक है आगे चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है जीरो पॉइंट जीरो और यहाँ पे फोर सेवन और पूरे इस तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीरो फोर सेवन तीनों के ऊपर बार है तो बट्टा में कितना नौ आ जाएगा बट्टा में तीन नौ आ जाएगा यानी दशमलव के बाद अगर जीरो है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपको मेंशन करना पड़ेगा देख के लग रहा है तीन नंबर के ऊपर है तो हम क्या करेंगे बट्टा में तीन नौ लिखेंगे ऐसा नहीं कि इस जीरो को आपको छोड़ देना है तीन के ऊपर बार है तो तीन नौ आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा क्लियर चलिए अब इस चौथे क्वेश्चन में आइए यहाँ पे क्या है अब तक जो भी क्वेश्चन आप देख रहे थे सभी में दशमलव से पहले जीरो था लेकिन यहाँ दशमलव से पहले एक नंबर है एक पूर्णांक है तो करना क्या है कि सात को अपने स्थान पर रहने दीजिए और पॉइंट के जगह बस प्लस लिख लीजिए पॉइंट का दरअसल मतलब प्लस ही होता है जैसे एक को हम लिख सकते हैं एक प्लस

अगर कभी इसको जोड़ना हो जैसे आठ प्लस एक बट्टा पाँच जोड़ना हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आठ सही एक बट्टा पाँच दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा तो सात प्लस एक बट्टा तीन यानी हम क्या लिखेंगे सात सही या सात पूर्णांक एक बट्टा तीन तो दशमलव के पहले अगर कोई नंबर मिले जैसे यहाँ भी देखिए दशमलव के पहले जीरो था तो अगर आप जीरो प्लस इतना करिएगा तो मान में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा किसी भी नंबर में जब आप जीरो जोड़िएगा तो वैल्यू सेम रह जाता है तो इस वजह से दशमलव से पहले अगर जीरो होगा तो हमें उसे मेंशन नहीं करना है नहीं लेना है लेकिन दशमलव से पहले अगर कोई दूसरा नंबर है कोई पूर्णांक हो उस केस में क्या करेंगे हम दशमलव के स्थान पर प्लस लिखेंगे क्लियर हो पा रहा होगा चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं इसके ऊपर आधारित पहला क्वेश्चन पीछे हम लोग अट्ठारह क्वेश्चन देख लिए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि भिन्नों में बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कैसे आप पहचानिएगा इसके अलावा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले क्वेश्चंस को देखे देखे थे अभी हम लोग बार वाले क्वेश्चन को देखेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस बहुत ही आसानी से अब आप बना सकते हैं कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में देखिए बार किसके ऊपर है थ्री टू के ऊपर यानी क्वेश्चन यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख देते हैं जीरो पॉइंट फाइव थ्री टू यही है और बार किसके ऊपर लगा हुआ है थ्री टू के ऊपर लगा हुआ है कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे दशमलव के बाद अगर कुछ संख्या के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो तो पूरे को संख्या मानेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा पांच सौ बत्तीस अब इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है तो पांच के ऊपर नहीं है तो पांच घटा लीजिए बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नौ तो दो नंबर के ऊपर है तो दो नौ लिखेंगे और जितना के ऊपर नहीं है उतना जीरो एक नंबर के ऊपर नहीं है तो एक जीरो पांच सौ बत्तीस में से पांच माइनस करिए कितना हो जाएगा पांच सौ सत्ताईस हो जाएगा और बट्टा में क्या है आपका बट्टा में है नौ सौ नब्बे तो पाँच सौ सत्ताईस बट्टा नौ सौ नब्बे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी जब आप थ्योरी सीखे हैं अच्छे से तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा लेकिन देख लीजिए जो आने वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्योंकि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बन सकते हैं वह सब यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन नंबर बीच देखिए क्या है जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी एक पूर्ण संख्या हो और क्यू एक प्राकृतिक संख्या हो ठीक है मतलब अल्टीमेटली हमें जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन यही तो है थ्री सेवन और बार किसके ऊपर है केवल सात के ऊपर है इसको हमें सोल्व करना है मतलब इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है दशमलव से पहले जीरो तो इससे कोई मतलब नहीं पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा हमारा जीरो थ्री सेवन इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है तो जीरो थ्री के ऊपर नहीं है तो जीरो थ्री माइनस कर लीजिए बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नौ तो एक नंबर के ऊपर है तो एक नौ और जितने के ऊपर नहीं है उतना जीरो दो नंबर के ऊपर नहीं है तो दो जीरो हो जाएगा ठीक है इस पूरे को संख्या मानेंगे सैंतीस हो जाएगा तीन माइनस करेंगे चौतीस हो जाएगा तो सैंतीस में से तीन माइनस करिए कितना होगा ये आपका चौतीस और चौंतीस बट्टा हो गया आपका नौ सौ चौतीस बट्टा नौ सौ है जब इसको आप काटिएगा दो से कटेगा ऊपर में हो जाएगा सत्रह और नीचे में कितना हो जाएगा चार सौ पचास यानी सत्रह बट्टा चार सौ पचास विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सत्रह बट्टा कितना चार सौ पचास सत्रह बट्टा चार सौ पचास यही आपका सही आंसर होगा आगे चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर इक्कीस यहां देखिए क्या है एक दशमलव दो तीन छ पांच सात छ पांच सात छ अच्छा देख रहे हैं इसमें रिपीट क्या कर रहा है अंतिम से चलिए तो पांच सात छ पांच सात रिपीट आपका कर रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक दशमलव दो तीन छः एक बार आया है देखिए दो तीन छः तो एक बार आया है और आगे रिपीट क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है पाँच सात छ पाँच सात छः तो इसके ऊपर हम यह सिंबल लगा देंगे मतलब हमें इसी क्वेश्चन का जो है वह आंसर बताना है देखिए एक दशमलव दो तीन छः दो तीन छः एक बार आया है बार बार कौन आ रहा है पाँच सात छः पाँच सात छः यानी पाँच सात छः जो है इसमें रिपीट कर रहा है तो जो रिपीट कर रहा होगा उसी के ऊपर यह सिंबल लगाइएगा ना अब आइए इसको सोल्व करते हैं एक है तो एक को अपने जगह पर रहने दीजिए पॉइंट के जगह पर क्या लिखेगा प्लस दशमलव के पहले अगर कोई नंबर हो तो उसको लिख लीजिए अब केस क्या है केस है कि कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर नहीं है तो पूरा को संख्या मानिए तो संख्या हो जाएगा दो तीन छ पाँच सात छ पूरा संख्या हो गया इसमें से उसको हटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है तो 236 के ऊपर नहीं है तो हटा लीजिए तो माइनस दो और बट्टा में क्या करेंगे बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नौ लिखेंगे तो तीन नंबर के ऊपर है तो तीन बार नौ लिखेंगे और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना बार जीरो तो तीन बार हम लोग क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे सोल्व करिए एक प्लस ऊपर में देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा छः में से छः माइनस करिएगा जीरो हो जाएगा सात में से तीन माइनस करेंगे चार हो जाएगा और पाँच में से दो माइनस करेंगे तीन होगा बाकी का तीन नंबर एज इट इज यानी दो सौ छत्तीस ठीक है और बट्टा में कितना है बट्टा में आपका ट्रिपल नाइन और ट्रिपल जीरो है एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया अब जो वैल्यू है उसको क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है गौर से समझिएगा इसमें गुना करेंगे एक से क्योंकि हमें भिन्न का जोड़ करना है ना मान लीजिए आपको करना है एक प्लस तीन बट्टा पाँच तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ना है इसे बेहतर है कि इसमें इसको आप जोड़ लीजिए नीचे वाला वैल्यू को सेम रखिए जब भी किसी नंबर में जब भी किसी भिन्न में एक को जोड़ना होगा तो नीचे ऊपर वाले को आपस में जोड़ लीजिए तो पांच और तीन आठ आठ बट्टा पांच यही आपका आंसर होगा देख लीजिए ऐसे भी करके पांच एगम पांच और तीन आठ आठ बट्टा पांच अगर हमें एक में जोड़ना है एक में जोड़ना है तीन बट्टा सात को तो कैसे करेंगे सात और तीन बस नीचे ऊपर वाले को जोड़ लीजिए बट्टा में यह वैल्यू आपका रह जाएगा तो हमें एक में इसको प्लस करना है तो हमें एक में इसको प्लस करना है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम नीचे ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं तो जीरो में चार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चार हो जाएगा है ना यहाँ भी आपका तीन और दो पांच अंक यहाँ भी तीन और दो पांच अंक जीरो में तीन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा आगे देख लीजिए आगे हमारे पास है नौ छः पंद्रह पाँच हासिल एक हो गया नौ तीन बारह और एक तेरह तीन हासिल एक नौ दो नौ दो ग्यारह और एक बारह और बट्टा में कितना बट्टा में आपका तीन बार नौ और दो बार जीरो यानी एक सौ तेईस पाँच सौ चौंतीस एक सौ तेईस पाँच सौ चौंतीस वाला ऑप्शन कौन सा है एक सौ तेईस पाँच सौ चौंतीस वाला ऑप्शन यही है तीन बार नौ दो बार जीरो है ना चलिए तो विकल्प सी जो है वही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ना था इससे बेहतर है कि नीचे ऊपर वाले को आप जोड़ लीजिए और नीचे में जो वैल्यू है वो आपका सेम रह जाएगा है ना चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बोला यदि जीरो को एक साधारण भिन्न में साधारण भिन्न में इकतालीस बट्टा नौ नो नौ एन टाइम्स यानी बट्टा में नाइन जो है वह कितनी बार आया है इन टाइम्स आया है इन बार आया है तो इन का मान ज्ञात कीजिए आप सोचिए यहाँ पे कि जब आप इसको भिन्न में बदलिएगा तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए इकतालीस बट्टा निन्यानवे लिखिएगा यही तो लिखिएगा इसको जब आप भिन्न में बदलिएगा साधारण भिन्न में तो क्या लिख सकते हैं इकतालीस बट्टा निन्यानवे तो यहाँ पे जो है नौ कितनी बार आया है सर यहाँ पे नौ जो है वह दो बार आया है तो हमें यही बताना है कि नौ कितनी बार आएगा इकतालीस बट्टा नौ 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 एन टाइम्स आया है तो इन का मान बताइए का मान बताइए मतलब नौ कितनी बार आया है बताइए तो नौ यहाँ पे कितनी बार आ जाएगा नौ यहाँ पे दो बार आएगा विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है ठीक है आगे चलिए इस बार क्या करना है इन नंबरों को हमें आपस में जोड़ना है तो दो तरीका है पहला तरीका कि सबको हम भिन्न में बदलेंगे और भिन्न में बदलने के बाद इसको जोड़ लेंगे तो आइए पहले उसी तरीके से बनाते हैं जैसे छप्पन है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं छप्पन बट्टा निन्यानवे ठीक है आगे चलिए प्लस आगे है हमारे पास तैतालीस तो तैतालीस बट्टा क्या लिखेंगे निन्यानवे सभी में दो दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो बट्टा में निन्यानवे लिखेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे नवासी बट्टा निन्यानवे नवासी बट्टा आपका निन्यानवे हो जाएगा चलिए देखिए इसमें सबके बट्टा में सेम वैल्यू है तो एल तो इसका निन्यानवे हो जाएगा जब नीचे में सेम है तो एल तो यही होगा ना और जब सबके नीचे में सेम है तो फिर ऊपर वाला आपस में जुड़िएगा तो छप्पन तैंतालीस और नवासी जोड़िए छः तीन नौ आठ सत्रह सात हासिल हमारे पास एक हो गया छ चार दस और आठ अट्ठारह एक सौ सतासी तो एक सौ बट्टा कितना हो जाएगा आपका एक सौ सतासी बट्टा यहाँ पे हो जाएगा निन्यानवे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एक सौ सतासी बट्टा निन्यानवे को क्या लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एक सही अगर पूर्णांक के रूप में ले जाए तो एक सही अट्ठासी बट्टा कितना निन्यानवे इतना तो लिखा जा सकता है जब आप निन्यानवे में निन्यानवे से भाग करिएगा एक सौ सतासी में तो कितना बार भाग लगेगा सिर्फ एक बार तो जितना बार भाग लगेगा उसको पूर्णांक में लिखिए बचेगा कितना तो जब निन्यानवे से भाग करिएगा तो निन्यानवे को छोड़ करके बाकी बच जाएगा यानी एक सौ सतासी है तो एक और इधर और सतासी इधर मतलब कितना बचेगा आपके पास अट्ठासी बचेगा अब इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए एक को तो आप पूर्णांक के रूप में यहीं पर रहने दीजिए और पॉइंट अट्ठासी बट्टा निन्यानवे के लिए क्या लिख सकते हैं आप अट्ठासी के ऊपर यह सिंबल बार का सिंबल आप लगा सकते हैं अठासी बट्टा निन्यानवे है तो अट्ठासी के ऊपर बार लगा सकते हैं तो वन पॉइंट एट एट के ऊपर बार यही आपका आंसर होगा यानी आंसर बनेगा विकल्प डी ठीक है कौन सा विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो है ना तो आप लिखिए जीरो फाइव सिक्स कितनी बार लिख सकते हैं इसको अनंत बार लिख सकते हैं तो हम तीन बार लिखिए और डॉट डॉट लगा दीजिए इसमें जोड़ना है जीरो पॉइंट फोर थ्री को तो ज़ीरो पॉइंट लिखिए फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री और उसके बाद जो है डॉट 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 इस प्रकार से लगा दीजिए और आगे क्या है ज़ीरो पॉइंट एट नाइन एट नाइन है ना तो एट नाइन एट नाइन एट नाइन तीन बार लिखिए और इसके बाद हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा दीजिए हालांकि यह आया है कितनी बार अनंत बार अब जोड़िए इसको छः तीन था नौ छेती नो नो छेती नौ अट्ठारह आठ हासिल हमारे पास है एक पाँच चार नौ आठ सत्रह एक अट्ठारह आठ हासिल हमारे पास है एक छः तीन नौ नौ छः तीन नौ नौ अट्ठारह और एक उन्नीस नौ हासिल हमारे पास है एक पाँच चार नौ आठ सत्रह एक अट्ठारह आठ हासिल हमारे पास है एक छ तीन नौ नौ अट्ठारह एक उन्नीस नौ हासिल हमारे पास है एक पाँच चार नौ आठ सत्रह एक अठारह आठ हासिल हमारे पास है एक तो फाइनली जो हासिल है वो कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है Finally, जो हासिल है वह कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा तो एक दशमलव आठ नौ आठ नौ आठ नौ यहाँ पे रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गलत किए हैं क्या छप्पन तैतालीस और नवासी छः छः तीन तीन नौ 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 आठ छह देखिए यहाँ पे गलती हो गया था यहाँ क्या हो जाएगा एक सौ अट्ठासी हो जाएगा है ना जब आप इसको जोड़िएगा छ तीन नौ नौ अट्ठारह आठ हासिल एक पाँच चार नौ आठ सत्रह और एक अट्ठारह एक सौ अट्ठासी तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका यहाँ पे हो जाएगा नवासी ठीक है देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका नवासी हो जाएगा और इधर भी आपका जब नवासी होगा तो बार किसके ऊपर लग जाएगा नवासी बट्टा निन्यानवे है तो नवासी के ऊपर यह सिम्बॉल आपका लग जाएगा अब इधर देखिए इसमें जब आप इस तरफ से जोड़ते हुए आए तो क्या हुआ वन पॉइंट एट नाइन यही तो रिपीट कर रहा है यहाँ भी एट नाइन इधर से अगर जोड़ते आते तो इसको भी तो हासिल मिल जाता यह तो अनंत बार है ना तो जब इधर से जोड़ते आते तो इसको भी हासिल मिलता यह भी नौ हो जाता है यह भी नौ है यह भी नौ है यानी रिपीट आपका जो कर रहा है वह एट नौ कर रहा मतलब एट नाइन कर रहा है तो हमारा आंसर वन पॉइंट एट नाइन हो जाएगा क्या किए हम सबको तीन तीन बार लिखिए उसके बाद डॉट डॉट लगा दिए जब हम जोड़ेंगे तीन नौ, नौ, यहां पे के लिए आठ लिखे हैं जब इसके पीछे का कैलकुलेशन आप करते आते तो इसको भी तो हासिल मिलता .89, 8, 9, 8, 9, रिपीट कर रहा है तो एट नाइन के ऊपर हम बार लगा दिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में अगला सवाल देखिए क्या है जीरो पॉइंट सिक्स थ्री जीरो जोड़ना है हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम इसके लिए लिखेंगे तिरसठ बट्टा निन्यानवे एक तो तरीका यही है कि भिन्न में बदल लीजिए प्लस इसके लिए क्या लिखिएगा आप सैंतीस बट्टा निन्यानवे और इधर जो आपका बच रहा है वैल्यू इसके लिए क्या लिखिएगा आप अस्सी बट्टा निन्यानवे सबको आप जोड़िए सब के नीचे में निन्यानवे है तो एल्सीम तो निन्यानवे ही होगा एक बार फिर से हाँ सर अब आगे क्या करेंगे ऊपर वाले को जब सबका एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे ना तो तिरसठ और सैंतीस सौ सौ में अस्सी जोड़िएगा एक सौ अस्सी तो ऊपर में हो गया आपका एक सौ अस्सी जब आप निन्यानवे से भाग करिएगा एक सौ अस्सी में तो एक पूर्णांक निन्यानवे कम निन्यानवे क्या बच रहा है आपके पास यहाँ अस्सी तो यहाँ हो जाएगा इक्यासी है ना हमें क्या करना है हमें निन्यानवे के ऊपर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको जोड़ने पर 180 आ जाए तो निन्यानवे में इक्यासी जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा अब आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं एक तो पूर्णांक में, तो में है तो अपने जगह पर रहने दीजिए पॉइंट इक्यासी बट्टा निन्यानवे है यानी इक्यासी के ऊपर बार का सिंबल आपका लगेगा यानी विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तो एक तरीका आपका यह हो गया दूसरा देख लीजिए दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट है ना इसको ऐसे जीरो बार आया है अनंत बार आया है तो आप तीन बार लिखिए और उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए ठीक है चलिए इसमें जोड़ना है जीरो पॉइंट थ्री सेवन को तो जीरो पॉइंट थ्री सेवन को फिर से क्या करना है तीन बार लिखना है और उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम लोग डॉट 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 इस प्रकार से लगा देंगे और इसमें जोड़ना है जीरो पॉइंट एट जीरो को तो जीरो पॉइंट एट जीरो एट जीरो कितनी बार आया होगा यह अनंत बार आया होगा बस हम तीन बार लिखे हैं और इसको डॉट डॉट कर लिए बस यह अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए सात तीन दस जीरो हासिल एक है हमारे पास छः तीन नौ आठ सत्रह एक अट्ठारह आठ आगे हासिल एक है हमारे पास सात तीन दस और एक ग्यारह एक हासिल एक, एक। छः तीन नौ आठ सत्रह एक अट्ठारह आठ हासिल एक सात तीन दस और एक, एक ग्यारह एक हासिल एक छह तीन नौ आठ सत्रह एक अट्ठारह आठ हासिल एक और फाइनली जो एक है वह यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा वन एट वन, रिपीट कौन कर रहा है? एट वन एट वन तो एट वन के ऊपर बार लगा लीजिएगा जब हम इधर से जोड़ते हुए आते तो इसको भी तो हासिल मिलता तो यहीं से आप पकड़ लीजिएगा कि रिपीट कौन कर रहा है वन पॉइंट एट वन तो वन पॉइंट एट, एट वन के ऊपर आप बार लगाइए यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है 3.36 पॉइंट थ्री सिक्स माइनस टू पॉइंट जीरो फाइव प्लस वन पॉइंट थ्री थ्री पहले तो आप यहाँ देखिए कि यह तो पूर्णांक है तो पूर्णांक का कैलकुलेशन आपस में करिए तो तीन और एक चार चार में से दो माइनस करेंगे दो हो जाएगा पूर्णांक का काम आपस में कर लीजिए या फिर इसको ऐसे ही सोल्व कर लीजिए थ्री पॉइंट बार बार कौन आया है तीन छः आया है तो तीन छः को हम कितनी बार लिख सकते हैं तीन बार लिखिए और उसके बाद डॉट डॉट आप लगा दीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्लस वाला को पहले लिखते हैं तो एक दशमलव तीन तीन है तो एक दशमलव तीन तीन को आपको क्या करना है बार बार लिखना है जितना नंबर ऊपर लिखिए उतना नंबर नीचे भी लिख लीजिए आगे चलिए इसमें से घटाना है दो दशमलव जीरो पांच को तो दो दशमलव जीरो पांच के ऊपर बार है ना तो यह कितनी बार आया होगा अनंत बार आया होगा बस हम तीन बार लिखिए डॉट डॉट लगा दिए ठीक है आगे चलिए ऊपर वाले दोनों को क्या करना है प्लस करना है और नीचे वाले को माइनस तो करना है हम क्या किए इसको भी एक्सपेंड किए इसको भी एक्सपेंड किए इसको भी एक्सपेंड किए प्लस वाले दोनों को ऊपर लिखिए माइनस वाले को नीचे लिखिए कैलकुलेशन करिएगा और कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि दो को जोड़ना है और एक को घटाना है नीचे वाले को घटाना है तो छः और तीन नौ, ती नौ नौ में से पाँच माइनस करिएगा चार हो जाएगा तीन और तीन छः छः में से जीरो माइनस करिएगा छः हो जाएगा छः तीन नौ नौ में से पाँच माइनस करिएगा चार हो जाएगा तीन और तीन छः छः में से जीरो माइनस करिएगा छः हो जाएगा छः तीन नौ नौ में से पाँच माइनस करिएगा चार हो जाएगा तीन और तीन छः में से जीरो माइनस करिएगा छः हो जाएगा पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ देखिए तीन और एक चार चार में से दो माइनस करिएगा क्या होगा दो होगा अब इसको देख के आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि दो दशमलव रिपीट क्या किया इसमें छः चार रिपीट किया है तो छः चार के ऊपर बार लगा दीजिए यही आंसर दो दशमलव छः चार दो दशमलव छः चार यानी कि विकल्प डी जो है वही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी ठीक है सही आंसर क्या बनेगा विकल्प डी बनेगा तो इस तरीके से भी जो है आप अपना आंसर निकाल सकते हैं पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या मामला है क्वेश्चन नंबर छब्बीस इसको सोल्व करना है इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है इसको क्या लिख सकते हैं आप सर इसको लिख सकते हैं चार बट्टा नौ क्या दिक्कत है इसमें भाई चार रिपीट कर रहा है तो चार के ऊपर बार रखिएगा तो चार बट्टा नौ हो जाएगा इन टू इसका वैल्यू बताइए सर यह हो जाएगा तीन बट्टा नौ अब चार बट्टा नौ है तीन बट्टा नौ है सोल्व कर लीजिए तीन से काटिएगा तीन थी नौ हो जाएगा ऊपर में कितना है चार और नीचे में क्या है सत्ताईस तो चार बट्टा सत्ताईस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगर इसको बार के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम चार में क्या करेंगे सत्ताइस से भाग करेंगे और भाग करने के बाद देखेंगे कि जो नंबर रिपीट कर रहा होगा उसके ऊपर बार लगा देना है लेकिन बार के फॉर्म में अगर आंसर रहे तो अगर भिन्न के रूप में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहां देखिए अगला सवाल है जीरो पॉइंट फोर का चार के ऊपर बार लगाओ इसका वर्गमूल क्या होगा तो हम क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट चार इसका निकालना है हमें वर्गमूल यानी रूट अंडर इतना का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है यही तो है अगर बार हटाते हैं तो बट्टा में क्या लिखेगा नौ यानी चार बट्टा नौ इसी का मान हमें बताना है सोल्व करिए चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा दो और नौ का वर्गमूल कितना तीन तो दो बट्टा तीन यही आंसर हो गया अगर मान लीजिए इसको फिर से बार के रूप में कन्वर्ट हमें करना है तो हम दो में क्या करेंगे दो में हम तीन से भाग करेंगे तो तीन से भाग करिए पॉइंट दीजिएगा जीरो हो जाएगा तीन छके अट्ठारह यहाँ पे फिर से क्या बचेगा आपके पास दो फिर यहाँ पे जीरो डालिएगा तीन छके अट्ठारह फिर से क्या आ रहा है फिर से आ रहा है दो यानी रिपीट क्या करेगा छ रिपीट करेगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सिक्स और सिक्स के ऊपर फिर से बार लगा दीजिए यानी इस नंबर का जो आपका देख लीजिए इसका जो वर्गमूल होगा वो इतना हो जाएगा समझ पा रहे हैं आप चार बट्टा नौ लिखे जब आप इसका वर्गमूल किए दो बट्टा तीन आया दो बट्टा तीन का मान कितना होगा जीरो पॉइंट छि छह के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं तो नंबर सत्ताइस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मामला कुछ और है बार जो जब हम लोग दशमलव के पीछे लगाते हैं यानी इस प्रकार से जीरो पॉइंट थ्री सेवन तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यह नंबर आपका रिपीट कर रहा है और रिपीटेशन हमेशा कब होता है दशमलव के बाद होता है दशमलव के पहले रिपीटेशन नहीं होता है तो अगर दशमलव के पहले यह नंबर लगा हुआ यह सिंबल लगा हुआ है बार लगा हुआ है इसका मतलब और यह जो शेष बच गया वह आपका पॉजिटिव है इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं तेरह के ऊपर लगा हुआ सिंबॉल यानी कि माइनस और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे जीरो जोड़ेंगे ठीक है इसको हम लिखेंगे इतना आगे चलिए आगे प्लस है तो प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे ठीक है लेकिन यहां पे क्या है उन्नीस माइनस में है तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस का उन्नीस और प्लस जीरो पॉइंट फोर एट यह तो आपका प्लस में ही होगा फोर एट किस में होगा प्लस में होगा फिर देखिए सत्ताईस यहाँ क्या है माइनस में है तो लिखेंगे माइनस और प्लस जीरो पॉइंट सिक्स एट जब भी इस तरीके से लिखा हुआ मिले इसका मतलब समझ जाइएगा कि जो पूर्णांक भाग है वो नेगेटिव है और जो भिन्न भाग है वो पॉजिटिव है अगर कभी इस प्रकार से लिखा हुआ है चार दशमलव सात और यहां बार लगा हुआ है इसका मतलब कि इसमें चार जो होगा वो नेगेटिव होगा और ये जो आप देख रहे हैं यह आपका किस फॉर्म में होगा पॉजिटिव फॉर्म में होगा वापस से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं चार दशमलव सात और इसके ऊपर इसको लगा दीजिए लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन चार दशमलव सात यहां पर चार दशमलव सात 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 कितनी बार आया होगा अनंत बार आया होगा तो दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा ठीक है अब आप इसको कैलकुलेट करिए पहले पूर्णांक को जोड़िए पूर्णांक का कैलकुलेशन करिए तो पूर्णांक में यहाँ पे देखिए सब माइनस में है तो जोड़ लीजिए तेरह तेरा में जब कितना हो जाएगा 32. तेरा और गया यहां पे पूर्णांक माइनस में. में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा देखिए तीन और नौ बारह बारह सात उन्नीस उन्नीस के लिए नौ हासिल एक एक और एक दो दो और एक तीन तीन और दो पाँच मतलब जो भी माइनस में पूर्णांक है पहले पूर्णांक का कैलकुलेशन हम लोग कर लिए अब आगे अब भिन्न का कैलकुलेशन करिए तो जो भी भिन्न है सब तो प्लस में है तो प्लस में इसको जोड़िए जो यहाँ पे देखिए तीन तीन और आठ ग्यारह ग्यारह और आठ उन्नीस उन्नीस के लिए लिखेंगे नौ हासिल हमारे पास है एक चार और एक पाँच पाँच और चार नौ और नौ और छः पंद्रह पंद्रह के लिए लिखेंगे पाँच और एक जो बचा है वह कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है आगे चलिए हम क्या लिख सकते हैं अब इसके लिए माइनस उनसठ प्लस इसमें जो पूर्णांक है उसको अलग लिखिए तो एक प्लस जीरो पॉइंट फाइव नाइन दोनों भाग को हम अलग अलग कर दिए पूर्णांक को अलग भिन्न को अलग अब माइनस उनसठ प्लस एक है तो एक माइनस में एक प्लस में तो हम लोग घटाते हैं चिन्ह बरखा का तो माइनस अंठावन हो जाएगा और माइनस अंठावन प्लस यहाँ पे क्या है जीरो पॉइंट फाइव नाइन है क्या वैल्यू इसका हो जाएगा अंठावन पॉइंट फाइव नाइन इसमें देखिए जो है वह किस फॉर्म में है अंठावन जो है वह आपका पूर्णांक में है मतलब नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है तो वापस से इसके लिए ऐसे लिखा जा सकता है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा फाइव एट पॉइंट फाइव नाइन कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि जो पूर्णांक होगा वह माइनस में और जो भिन्न होगा वह किस फॉर्म में रहेगा भिन्न आपका प्लस में होगा बढ़िए अगले क्वेश्चन में यहां देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं तो देखिए तेईस जो होगा वह किस रूप में होगा माइनस में तो माइनस तेईस लिखिए और प्लस एट नाइन किस फॉर्म में प्लस में तो जीरो प्लस में हो गया आगे चलिए अब यहां बारह बारह माइनस में है और उसके पहले माइनस लगा हुआ है यानी कि बारह अब क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और माइनस जीरो प्वाइंट फाइव फोर हो जाएगा इस बात को यहां समझिए यहां देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर रखिए 12 के ऊपर 12 है यानी 12 माइनस में होगा और प्लस 0.5 पॉइंट यह तो प्लस में होगा अब इस पूरे के बाहर में माइनस है तो माइनस गुने माइनस प्लस यानी कि यह जो माइनस में था वह प्लस में हो गया और जो प्लस में है वह किस फॉर्म में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो इस वजह से डायरेक्ट इतना लिखे हैं माइनस माइनस बारह प्लस बारह हो जाएगा और माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर तो माइनस में ही रह जाएगा अब एक प्लस में है एक माइनस में पहले पूर्णांक का कैलकुलेशन करिए इस दोनों का एक प्लस में है और एक माइनस में है तो घटाएंगे बरका का तो तेईस में से बारह घटाइएगा ग्यारह बरका का यानी माइनस वाला का तो माइनस ग्यारह होगा और प्लस अब इस इसका कैलकुलेशन करिए पॉइंट वाला का तो नौ में से चार माइनस करेंगे पाँच हो जाएगा और आठ में से पांच माइनस करेंगे तीन हो जाएगा पॉइंट के जगह पॉइंट जीरो के जगह जीरो अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं ग्यारह दशमलव तीन पाँच और यह माइनस में है तो इसके ऊपर लगा दीजिए बार यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्यारह दशमलव तीन पाँच तो इस तरीके से भी सवाल जो है वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है बार अगर क्वेश्चन में पहले लगा हुआ है पॉइंट के पहले लगा हुआ है इसका मतलब पॉइंट के पहले वाला जो हिस्सा है वह नेगेटिव होगा और उसका जो शेष हिस्सा है जो भिन्न भाग है वह क्या होगा पॉजिटिव होगा बाकी कैलकुलेशन आपको इसी हिसाब से कर लेना है ठीक है तो इस तरीके से जो रेकरिंग है वो आपका कंप्लीट हुआ फ्रैक्शन में अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में तो आज के लिए इतना ही थैंक यू जय हिंद